तूने मेरे को देख के फोन पीछे फेंका है। हमारे घर में तो दो ही फोन है ना। नहीं फेंका मैंने, एक मेरा फोन एक तेरा फोन। तू उसके मेरे अंदर घुसते तो किसी से बात कर रही थी, तूने मेरा तूने पीछे फोन फेंक दिया। पागल होना रही तू मेरे को। अरे बहू पीछे हो जाए एक बार। कितने तू झूठ बोलेगी, कुछ कर लूंगी अपने आप को। अरे तू कितने झूठ बोलेगी, कितने झूठ बोलेगी। पागल समझती है पागल, ये कि ये बंदा पागल है क्या, ये बंदा पागल है, ये बंदा पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। जल्दी बता किसका किसका फोन था ये, जल्दी बता किसका फोन था ये। अपने घर निकल जा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबकी छोटी सी बहन से बहन दीपिका आर्य, और मेरा नाम है दीपिका आर्य और मैं हूँ आपकी छोटी सी बहन। और मैं आ गई हूँ दूसरी वीडियो लेके तहलका फैमिली पे। और जो फर्स्ट वीडियो थी, अगर आपने उसे नहीं देखा तो तहलका फैमिली पे जाकर देख लो। और ये सेकंड वीडियो और भी धमाकेदार होने वाली है, इसको इतना वायरल कर देना। और तहलका फैमिली चैनल को सारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर दूसरी जगह फैले पड़े हैं, वो आके इस यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी वीडियो बना रही हूँ ना कि आपकी डिमांड पे बना रही हूँ, और इसको वायरल करना आपका काम। तो अब मैं दिखाती हूँ। अब मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ अपने कज़न से, ठीक है। अब मैंने सन्नी को ये रिएक्ट मतलब ऐसे शो करना है कि वो एकदम से आ जाएंगे, अभी आने वाले हैं ऊपर। मैंने उनके लिए खाना बनाया है तो वो ऊपर आने वाले हैं। तो जैसे ही वो ऊपर आएंगे तो वो एकदम से घुसेंगे अंदर घर के रूम के, तो मैं एकदम से फ़ोन फेंक दूँगी। और ये फ़ोन है दूसरा, सैमसंग का फ़ोन है, ये दूसरा फ़ोन है। सन्नी को नहीं पता है कि मेरे पास फ़ोन है, और पहले से पड़ा हुआ था बहुत पुराना, तो फिर मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो इससे मैं अपने कज़न से बात करूँगी, और सडनली जैसे ही सन्नी आएंगे इसे फेंक दूँगी। फिर वो जो क्वेश्चंस करेंगे वो वीडियो तो आपको पूरी भाई स्किप तो करनी ही नहीं होती है ना। और बहुत सारे हमें जो प्यार करते हैं वो स्किप करते भी नहीं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आगे दिखाती हूँ कि आज मैं करने वाली हूँ चीटिंग प्रैंक। तो चीटिंग प्रैंक देखना है तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है। चलो मैं सन्नी को बुला के आवाज़ मार दूँ। A few moments later. रोटी खा लो। पीछे क्या फेंका आपने? अरे रोटी खा लो आप। किससे किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं फेंका। अरे एक नूर का टॉय गिरा है। क्या गिर गया? तू बात कर रही थी किसी से, तो क्या टॉय गिरा है? फोन पे। फोन तो मेरा एक नूर के पास है, ले आओ। फोन तो एक नूर के पास है मेरा। अरे ये भी तो फोन ही था, मैंने मैं अंधा थोड़ी हूँ। फोन नहीं, फोन तो ये रहा। ये तो मेरा फोन है, किसको पागल बना रही थी दीपिका? तू किससे बात कर रही थी? टॉय गिरा है। आपका फोन तो एक करोड़ के पास है, वो तो कार्टून देख रही है उसके अंदर। अरे सच्ची बोल रहे हैं यार, टॉय गिरा है यार, टॉय गिरा है अभी। फोन ले आओ मेरा, फोन तो ले आओ। तू बात कर रही थी किसी से, तूने मेरे को देख के फोन देखा? अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है, माता रानी का मैंने फोन देखा है अपनी आंखों से। तू किसको पागल बना रही है? तूने मेरे को देख के फोन पीछे फेंका है। हमारे घर में तो दो ही फोन है ना। नहीं फेंका मैंने, एक मेरा फोन एक तेरा फोन। उसके मेरे अंदर घुसते तो किसी से बात कर रही थी, तूने मेरा तूने पीछे फोन फेंक दिया। पागल होना रही तू मेरे को। अरे बाबू पीछे हो जाए एक बार। वो फोन नहीं फेंका, मैं सच्ची बोल रही हूँ, फोन नहीं है यार, प्लीज बाबू फोन नहीं। वो फोन पड़ा हुआ है। किसको पागल होना रही है? फोन नहीं है यार, फोन नहीं है यार, फोन नहीं है, फोन नहीं है, फोन नहीं है। किससे बात कर रही थी जल्दी बता? किससे बात कर रही थी? फोन नहीं है यार, धीरे बोलो यार, धीरे। किससे बात कर रही थी? प्लीज धीरे बोलो बाबू यार, मैं सच्ची बोल रही, प्लीज धीरे बोलो, धीरे बोलो। किससे बात कर रही थी? अरे किससे बात कर रही थी? फोन किससे लेकर आई है ये बता। प्लीज धीरे बोल लो यार, प्लीज धीरे, मैं बता दूंगी यार, प्लीज धीरे बोल लो, आपको मेरी कसम धीरे बोल लो यार। तूने तूने नहीं, तूने कैसे कैसे गेम पलटी, तूने पहले बोला टॉय है। आप पीछे कर पहले एक बार, आप पीछे कर। अभी तूने क्या मेरे को पागल बनाया, टॉय है। पीछे हो जा, पीछे 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 एकदम पीछे। यार बाबू मैं सच्ची बोल रही हूं, मैं पहले बता किससे बात कर रही थी? मेरे को देखकर तूने फोन एक सेकंड नहीं लगाया, तूने गेम खेली मेरे तो बहुत तगड़ी। जैसे ही मेरी शक्ल देखी तेरे को, तूने फोन पीछे। वाह भाई वाह मैडम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे हाथ से कुछ गलत काम हो जाएगा तो एक बार बाहर जा।
अपने घर जाए 10-15 दिन के लिए, घर पे जाए अभी, मेरे को माइंड सेट करने थे अपना, और मैं देख लूंगा फोन में क्या सिस्टम था क्या नहीं था, पीछे हट जाए एक बार, बेड को पीछे करवा एक बार, प्लीज धीरे बोलो, आपको मेरी कसम यार नहीं, मैं कह रहा हूं बेड को पीछे करवा एक बार, आवाज चली जाएगी प्लीज, मैं सॉरी बोल रही हूं ना, मैं खुद सॉरी बोल रही हूं आपको, मैं खुद सॉरी बोल रही हूं, मैं कह रहा हूं बेड को पीछे करा एक बार, बेड को पीछे करवा एक बार, नहीं तो मेरे देख मेरे यहां पे इंजेक्शन लगे हुए हैं, तेरे को अच्छे से पता है हाथ में बहुत तगड़ा पेन हो रहा है, मैं गलत कर लूंगा, बहुत जबरदस्त पेन हो रहा है, तेरे को पता है ना, पीछे हाथ पीछे कर एक बार, क्या बता रही हूं, हां बता, इधर बैठ के बता आराम से, माफ कर दूंगा माता रानी कसम माफ कर दूंगा, इधर बैठ के बता सारी स्टोरी, किससे बात कर रही थी फोन पे, इधर बैठे एक बार, इधर बैठे एक बार, अरे मैं कह रहा हूँ तेरे को इधर बैठ जा एक बार, यहाँ बैठ जा एक बार, दिमाग खराब मत कर, अब बता किससे बात कर रही थी, कौन था फोन पे, हैं प्लीज आप धीरे बोलो, मैं कह रहा हूँ फोन पे कौन था, बात चली जाएगी यार, अरे मैं कह रहा हूँ फोन पे कौन था, फोन किससे लेकर आई है, बहुत सारे सवाल है एक नहीं है, फोन किसका था, किससे बात कर रही थी, कब तेरे हाथ में फोन हाथ लगा, कितने तू झूठ बोलेगी, कुछ कर लूंगी अपने आप को, अरे तू कितने झूठ बोलेगी, कितने झूठ बोलेगी, पागल समझती है पागल, ये कि ये बंदा पागल है क्या, ये बंदा पागल है, ये बंदा पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, थक पिछड़ थक पिछड़ थक पिछड़, मैं सॉरी बोल रही हूं यार आपको, सॉरी बोल रही हूं मैं, अब खुल के बता मामला क्या है ये, अच्छा सॉरी पहले आप धीरे बोलो प्लीज, मम्मी पापा तक फोन मत पहुंचाओ यार, जल्दी बता किसका किसका फोन था ये, जल्दी बता, जल्दी बता किसका फोन था ये, जल्दी बता, मैं देख मैंने आज तक गलत काम नहीं किया, मेरा मजबूर मत कर, ये अपने घर निकल जा, मैं कह रहा हूँ तेरे को कुछ नहीं बताना, मैं अपना आप जान लूंगा क्या सिस्टम है, अपने घर निकल जा, अपने घर निकल जा, अपने घर निकल जा, ये गलत काम मत कर घर के अंदर, अपने घर निकल जा, हट हट हट, मारना नहीं चाह रहा मैं, घर चली जाऊंगी, हाँ अपने घर चली जा, आप मेरे को माफ कर दो, माफ तो बेटा छोड़ तू, अगले जन्म में नहीं करूंगा, पीछे घर चली जा अपने, बाबू गलती पहली बार हुई है, मैं कभी जिंदगी में गलती नहीं करूंगी, पक्का बोल रही हूँ, एक बार माफ कर दो प्लीज बाबू, अपनी बाबू अपनी धर्म पत्नी पे ब्लाइंड ट्रस्ट था मेरे को पूरा, कि मेरी बीवी से बढ़कर कोई अच्छी औरत है ही नहीं पूरी दुनिया में, ये पागल आदमी इतनी भयंकर काली दुनिया में जी रहा था, इतनी भयंकर दुनिया में जी रहा था, ओए मत करो यार, मत करो प्लीज, मत करो, अरे तेरे को नहीं मार सकता भाई, मेरे को मार लो, अब मेरे को मार, नाना शादी के टाइम हवन पे बहुत अच्छे अच्छे वादे करे थे मैंने, कुछ हो भी जाएगा तो लड़की पे हाथ नहीं उठाना, ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें को वादा किया था, तो ये पाप नहीं कर सकता, मैं आपसे सॉरी बोल रही हूं, मैं खुद बता दूंगी आपको सारी बात, खुद बता दूंगी मैं आपको, आज तक तूने मतलब झूठ नहीं बोला, 3 साल हो गए शादी को, 3.5 साल हो गए, आज तू पहली बार मतलब ये सब चीजें, मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं आपको सब सच बता रही हूँ, खुद बता रही हूँ, पहले बता फोन था ना वो, अभी भी देख ले पूरा ढंग से नहीं दिख रहा, मेरे को मैं देख मेरे को तेरे से एक ही बात पूछूंगा, क्लियर कर मेरे को बात बता, फोन फोन कहाँ से लेकर आई, बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, आवाज ऊंची मत करो प्लीज, देख इतनी सी चीज दिख रही है अभी वो, और वो कन्फर्म है फोन है 100%, जब मैंने यहाँ से गिरता देखा है तब भी मैं कंफर्म था, मेरे को ये बता दे फोन कहाँ से आया, ये बता दे बस तू एक बार, हैं मैं बहुत भयंकर तरीके से ना सर दीवार सर में देके मारूंगा अपना, मैं यहाँ बैठ जा नीचे बैठ जा, मेरे सामने मत बैठ नीचे बैठ, अब तो नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ के बता नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ के बता नीचे बैठ के बता दे, गलती हो गई, दिल से उतर गई तू आज, अभी ससुर को फोन लगाता हूँ, इसको यहाँ से लेके जा, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, मैं आगे से कभी नहीं करूँगी, तो धीरे बोल लो पापा से सुन लेंगे, पापा सुन लेंगे, पापा सुन लेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पापा की भी बेइज्जती हो जाएगी, आप मुझे एक बार माफ कर दो, मैं सब बता दूंगी आपको, ना आगे से कभी नहीं हो, बाबू आप रो मत, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं पक्का कुछ नहीं, अगली बार कभी गलती नहीं करूंगी,
मेरा फोन पीछे गिर गया, उठा लो। आगे कभी जिंदगी में नहीं करूंगी ऐसा पाप, एक बार गलती हो गई। माफ कर दो ना, एक बार तो माफ कर दो, आपके हाथ में लगी हुई है यार। वो सैमसंग वाला फोन है जो पुराना फोन था मेरे पास, पुराना फोन था वही है वो, बता तो दिया सब कुछ। अब वो पुराना वाला फोन है वो अपना, बापू जिंदगी में गलती नहीं करूंगी क्योंकि वो फोन पुराने वाला है और मैंने आपका बकरा घाटा है, बकरा घाटा है, बकरा घाटा है। बापू मैंने आपका बकरा घाटा है, मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मैंने ना वहाँ कैमरा लगा रखा है और मुझे पता था आप ऊपर आ रहे हो, तो बापू आपका बकरा कट चुका है और इतना महंगे कैमरा का फायदा उठ चुका। अरे मेरा बच्चा आई रोने लग गया यार, इधर तो आओ, आपको मेरी कदम एक बार इधर तो आओ। पूरा खानदान आपके यहाँ से नहीं गिरवा सकता, पर आपकी बीवी ऐसा प्रैंक करने वाला हूँ, 4 घंटे तक रोने वाली, ध्यान रखियो। तो कैमरा बंद करके उड़े, मेरी हिम्मत नहीं। अरे मेरा फोन तो देखो, हाँ देख लूंगा, देख लूंगा। अच्छा एक बार खड़े हो, देख लूंगा। बच्चा रोने लग गया भाई साहब, देख ला तब भी हाथ नहीं उठाया आपने, वो मारा क्यों नहीं इतना जोर से, थप्पड़ मार देते, मेरे को ये लगा था मैं हिट हो जाएगी मेरी वीडियो, थप्पड़ मारो, थप्पड़ क्यों मारा। जो एक बार कैमरा बंद करो, ऐसा हो सकता है क्या बाबू, आप कितने जब एक बार कैमरा तो बंद करो, कोई मेरी कसम, चढ़ो आप, अच्छा कैमरा तो बंद करो, जो अब तैयार रहना 3-4 दिन के अंदर ऐसी हालत खराब क्यों रहे हो फिर आप, चुप हो गया, मैं चुप हो गया, वासु बहुत तगड़े वहा दिए, अब तेरे आंसू 4 घंटे तक बहेंगे, ध्यान रखियो, जाओ तेरे को मेरी कसम, अब कैमरा बंद कर दोस्तों। तेरा भाई होता क्या तेरे, अभी तक तो प्रैंक मैं कर रही थी, तेरे 4 घंटे रुलाऊंगा अब दोस्तों, तो वीडियो बन जाती है क्या एक, जल्दी देखते रहो बस खेल, अब आपका भाई जल्दी से, जानते हैं ना मेरे को नेच, मैं बता दो एक बार अच्छे से, नहीं तो मैं बता देता हूँ एक बार, हट जा हल्का सा हटना इसको, मेरा एक जो चैनल है ना दोस्तों, आप जानते नहीं हो, तहलका प्रैंक मेरा चैनल है, वहाँ पे इसकी बहुत तगड़ी हालत ख़राब कर रखी है, एक बार जाके देखना है, बहुत ज़्यादा वो समझती है ना अपने आप को, ओवर स्मार्ट, इसकी हालत वहाँ ख़राब कर रखी है मैंने, मेरा नाम पे रजिस्टर्ड कराओ इसको, समझ आएगी, और इसके सारे पैसे मेरे पास आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चैनल मेरा है, आप सबकी डिमांड पे आप सब बोलते रहते थे दीपिका मैम अपना चैनल खोलो, तो मैं अपना चैनल खोल चुकी हूँ, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा ना तो चैनल बंद कर दूंगी, ठीक है चलो भाई। और ऐसा चीटिंग प्रैंक है किसी के बस का है, पति को डिमांड पे करके दिखाओ, आपकी डिमांड पे करा है और आप मुझे सुनाते रहते हो, चलो ठीक है वो बाय कर दो, एक बार बाय कर दो। सो हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब सेफ हो, अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो अपने परिवार के साथ। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आप ये लॉकडाउन के फ्री टाइम में घर बैठे दुगना फ़ायदा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं, जिससे आपके घर में बैठे, आपका घर में बैठे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और उन लोगों की मदद होने वाली है जो कोरोना में अपनी उम्मीद को हार चुके हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है, आपको सिर्फ ये नीचे दिए गए लिंक को ओपन करके एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलना है, जिसमें आप शेयर्स में ट्रेड कर सकते हो, और उसके नीचे दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को ओपन करके उस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है।
जिनका पहले से डीमैट अकाउंट है वो भी ये गूगल फॉर्म भर दें। आपको फ्री में स्टॉक, स्टॉक ऑप्शंस, क्रिप्टो करेंसी, कॉमोडिटीज के रिकमेंडेशन मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी व्हाट्सएप पे। हम 10 दिन का डोनेशन कैंपेन चला रहे हैं जिसमें जितने डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे उसका बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना रिलीफ में डोनेट होगा और आपको डोनेशन का अपडेट भी मिल जाएगा। अकाउंट खोलो और जानो मार्केट के ट्रेड्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको चंद दिनों में मुनाफा हो। खुद का भला करें और दूसरों का भी भला करें। यह महामारी में एक इंसान ही दूसरे इंसान की हेल्प कर सकता है। आपके 10 मिनट किसी का दिन बना सकते हैं। इस विचार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कोई भी खर्चा होने वाला नहीं है तो हेल्प करना तो बनता है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो जाके इसको ओपन करें और फॉर्म फिल करें और ज़रूर सबकी हेल्प करें। और आपको सबको बताना चाहूँगी जिनकी तरफ से हमें ये लिंक मिले हैं और जिनका ये है, ये उनका साइड में अकाउंट आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पे आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान है और बहुत ही हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो गाइज़ आपको करना चाहिए, एक फॉर्म फिल करना, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो आपको ट्रेड करना है सिर्फ, तो जाइए और कीजिए। थैंक यू सो मच।